whatsoever is happening in the present, and whatever will happen in the future, I am the best. ये वाली फीलिंग ने अगर आपके बॉडी के एक गियर को उठा दिया है तो आप में जान बची है, नहीं तो आप लोग सब मर चुके हैं, ठीक है। एंड दिस फीलिंग शुड बी योर्स। जब हम लोग पैदा हुए थे इस धरती पर तो वी वर विद नो क्लोथ्स, वी वर विद नो इमोशंस, वी वर विद नो रिलेशनशिप। आज की डेट में हम लोग बड़े प्राउड फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बस इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे रिलेशन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, फ्यूचर आईआईटी है, अच्छी कंपनी है। एट द एंड ऑफ द डे वही होना चाहिए, यू विल बी विद नो क्लोथ्स, नो रिलेशनशिप्स एंड नो इमोशंस। एक दिन यू विल बी लाइक एशेस, और अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का है तो बरी अंडर द अर्थ। तो फिर क्यों इतना दुखी हो रहे हो? द पॉइंट इज, क्यों इतना दुखी हो रहे हो हर दिन? वो नेगेटिव एनर्जीज आती है इतनी सारी। I think they are 17 today, और ये 16 और 10 26 लोग ऐसी negative energies के साथ घूमते हैं, और वो ही negative energies लेके बाहर निकलते हैं। I don't know why, and sometimes I feel very sorry, thinking deep from within inside, sitting in the cab cabin, कि मैंने success avenue academy इसलिए बोली थी क्या कि लोग ऐसे दुखी दुखी आए और दुखी दुखी जाएं? I don't think so. That was my purpose. Any time I have taken this project into execution. Okay. तो आज का सिंपल सा तीन सवाल है जो आप लोग मुझे पर्सनली आंसर करोगे। मैं बड़ा दुखी हूँ अंदर से, क्योंकि आप लोग दुखी हो अंदर से, और द पॉइंट इज कि बेवजह दुखी है। कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं कि उनको दुखी रहना उनका हॉबी है, ठीक है, तो दैट इज हॉबी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कितनी ही अच्छी चीजें आ जाए दुनिया, पर उनको एक पॉइंट ऐसा मिल ही जाता है कि उसमें उनको दुख रहना है, ठीक है। जैसे लाइक पूर्वा सर, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा सर, हम ऐसे करते फिर भी ये नहीं होता, वैसे करते फिर भी नहीं होता, सर हम करें तो क्या करें? अरे खुश तो रहो पहले, आंसू तो मत टपकाओ कम से कम। ओके, सो द पॉइंट इज, मैं आप लोगों से तीन सवाल ये पूछूंगा। पहला सवाल ये है, सक्सेस एवेन्यू अकेडमी के इनॉग्रेशन के दिन जितने लोग यहाँ थे, या उससे एक महीने बाद जितने लोग यहाँ आए, व्हाटएवर इट इज, आपका पर्पस क्या था इस अकेडमी में आने का, या व्हाटएवर यू हैव थॉट एज अ पर्पस। सेकेंड थिंग इज कि आप लोग अभी अंदर से कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, एंड व्हाट इज, व्हाट एग्जैक्टली यू आर थिंकिंग। एंड तीसरा है कि फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा, ठीक है, तीनों चीजें। और सबका देखना एंड रिजल्ट जो है ना, वो आप लोग क्या चाहते हो अंदर से वो बताऊंगा, ठीक है। और एक ही वर्ड होगा, एक ही वर्ड, ठीक है। सो आई गिव इट टू सजग सजग से ऐसे साइकिल क्वार्टर में चलते हुए तीन सवाल है। सक्सेस एवेन्यू अकेडमी में आने से पहले आपके दिमाग की जो इंद्रियां थी वो क्या बोल रही थी, दूसरा ये कि अभी आपकी हालत अंदर से कैसी है मेरी डूटी, और तीसरा ये कि आपको क्या लगता है आपका भविष्य क्या है। अकेडमी में जिस दिन पहला दिन था यहाँ अकेडमी में ओपनिंग का, उस दिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी कि हाँ अब कुछ करना है, ओके, शायद आईआईटी में जाएंगे। उसके बाद फिर अभी कंडीशन ऐसी है कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अभी सी है, देयर कम्स अ पॉइंट, एंड दैट इज भविष्य। बोर्ड्स में तो क्या अच्छा, क्या करोगे भाई अगर बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो? आई गिव टू एवरी कैंडिडेट बिकॉज मुझे लगता था कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरे साथ में पढ़ते हैं वो आगे निकल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑनेस्ट कंसेशन। एंड सेकंड, पहला अभी यही है बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, ओके, अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए डेफिनेटली कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं है सर, इम्प्रूवमेंट ही आए अपना, मतलब इम्प्रूवमेंट। तो आज तुम्हारी आंखों में ऐसा दुख दिख रहा है मुझे कि सब कुछ कचरा हो गया। आई कैन हियर टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, बहुत हैड इज ग्रेट थिंग, बट इतना बड़ा ड्रीम लेके तो तुम नहीं आए हो, छोटा वाला क्या था तुम्हारा ड्रीम? अच्छा थाई के बाद कहते हैं सक्सेसफुल तो बन ही जाएंगे, सक्सेस एवेन्यू के नाम ही सर। हम सक्सेस एवेन्यू एकेडमी में आए थे नॉलेज गेन के लिए, पूरे
नॉलेज लेने के चक्कर में सर नॉलेज पता ही नहीं होता है ओके एंड सर असली दुनिया को जानते हो असली दुनिया जानते हो तुम यहां ओके सर जब सक्सेस अवेन्यू पे मैं आया था सर तो बहुत गुस्सा हो गया था कि अगर लास्ट बार के साथ चलना है क्योंकि उस टॉप पर सभी मतलब पिछले साल से सभी ने ज्यादा परफेक्टली स्कोर किए थे मुझे तो नहीं लगता आदित्य फेल हो गए हैं तो इसलिए अपना नाम उस क्लास की लिस्ट में रखने के लिए सर कुछ ना कुछ करना ही था स्ट्रगल तो करने का और फिर वहाँ पे आके सोचा कि भविष्य 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 सर उज्ज्वल है उज्ज्वल तो नहीं कह सकते सर उज्ज्वल तो नहीं है सर ओके प्लीज पांच सौ मारिए पहले हम क्या नहीं सोचा था सर बहुत डर लग रहा था कि पहली बार अगर ये यहाँ बंद रहे डर लग रहा था आए तब थोड़ा अच्छा लगा है सर और अब सोच लिया है कि जो कभी आए तो कर सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर हम यहाँ इसलिए क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट हो हाँ यस सर और अभी तक नहीं हो पा रहा सर क्या पता क्या है आप पागल बना रहे एकेडमी में आए थे कि पढ़ाई करनी है जो अभी तक सिर्फ जी बच्चा है किसी को चलने स्कूल में आए थे पढ़ाई करनी है नहीं जो अभी तक पढ़ते थे वो सिर्फ मार्क्स आने के लिए पढ़ते थे कुछ भी समझते नहीं थे या अपने लिए कुछ नहीं पढ़ते थे यहाँ के समझना है फिर पढ़ना है फिर मार्क्स के लिए सोचना है तो और ऐसे में मार्क्स आते नहीं सर क्योंकि समझते पढ़ते इतना टाइम हो जाता है कि मार्क्स आएंगे कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट होता है एक
आदमी कुछ और बोल रहा है और एक आदमी कुछ मतलब एक ब्लैक है और एक वाइट है, मतलब कोई कह रहा है मुझे सक्सेसफुल मैं ही बनना है और कह रहा है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊँ एंड रिजल्ट क्या है, तुम लोग किस पर्पज के लिए आए थे जो किसी ने बोला नहीं। मान लो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ गए या तुम्हें कॉलेज मिल गया या तुम्हें तुम सक्सेसफुल मैन बन गए या तुम जो भी हो गया, एंड रिजल्ट वाली फीलिंग क्या होगी? खुशी इज अ स्मॉल वर्ड, खुशी इज वेरी टेंपरेरी थिंग, आती और चली जाती है। सेटिस्फैक्शन, बिंगो, सेटिस्फैक्शन ही एक बहुत बड़ी चीज है जो कि जीवन में अगर आ जाए तो मजा आ जाता है। द पॉइंट इज कि सेटिस्फैक्शन किसी के अंदर एक के अंदर कुछ अंदर नहीं देता है। तो पर्पस जो एंड पर्पस है, चाहे जो कुछ भी होगा एंड पर्पस तो फुलफिल नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं है अंदर। अब संतुष्टि क्यों नहीं है? संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि लड़ाई चल रही है और जब लड़ाई होती है देश में तो हर घर हर हर आर्मी मैन हर सिविलियन असंतुष्ट रहता है, राइट? सो वी ऑल आर नॉट सेटिस्फाइड, यस और नो? अरे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो कम ऑन, यू ऑल आर नॉट सेटिस्फाइड। एंड इफ यू ऑल आर नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन there is a big battle going on, you can call it a battle or Panipat in Bhurai, whatever it is, but 2013 mein bahut badi ladai chal rahi hai sir, aur us ladai mein ek side hai expectations aur dusri side hai results, productivity ya result ya output. ab jo expectation wali side ki team hai usme ek aap khud hi ho, baaki aapke parent hai, आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप आपके नेबर्स हैं, आपकी सोसाइटी है, आपके रिलीजन है, व्हाटएवर। और जो आउटपुट वाली साइड है उस साइड में एग्जैक्टली वही टीम है। यहाँ एक्सपेक्टेशन वाली टीम क्या करती है, धक्का लेती है और यहाँ थप्पड़ मारती है क्योंकि यहाँ देती है धक्का तब तक जब तक तुम एग्जाम नहीं दे रहे हो। बेटा करो, एकेडमी करो, खुद करना है, नेबर अरे पढ़ो। जहां वो आउटपुट वो धक्का जितना पुश किया है उतना पुल नहीं हो पाता है, तो टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और न्यूटन सेट तो एकदम से इन लोगों के दिमाग में आ जाता है और एकदम से तरीके से एकदम से जितने प्यार से खाना खिला रहे होते हैं एग्जैक्टली प्यार से खाना खींच रहे होते हैं, तो मतलब दे एग्जैक्टली से नाउ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ऑल दैट स्टफ। और इस पूरी लड़ाई में पर तुम लोग तब तक खुश हो जब तक एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि तब तक एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि वाओ सब समझ में आ रहा है, वाओ ये आगे हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, वाओ ये हो रहा है, वाओ हो रहा है। और जैसे ही एग्जाम से नंबर कम है द फेशियल एक्सप्रेशंस आर सेल्फ गुड टू डाउन। तो इस लड़ाई में जो एंड रिजल्ट है वो है अनसेटिस्फैक्शन। तो अब इस लड़ाई जो बीच के दोनों पार्ट है ना, पर इनके बीच का गैप क्या खत्म किया जाए, एक लाइन में ही लाना पड़ेगा टीम को। अब ये टीम को तो हम चेंज कर नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल हम पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, टीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इस लड़ाई में जो बाहर लोग लड़ रहे हैं उसको हमें जीतना है, तो अंदर से जीतना है। अब अंदर से तुम लोग आज अगर ये सोच रहे हो 99% ऑफ पब्लिक स्टेट की बोर्ड में एग्जाम में नंबर आ जाए, ट्रस्ट मी अगर इस एटीट्यूड से चल रहे हो ना तो बोर्ड में एग्जाम में शायद नंबर आ जाए, शायद you will not be able to reach to your heights in your life. You know, alternatives ढूंढने लगते हैं ना life में, जब hurdles आते हैं, जैसे कि for example अगर कोई hurdle आया life में और alternative ढूंढने लगता है, तो वो life में ना वो particular चीज़ एकदम वहीं halt हो जाती है, degrade हो जाती है। तो अब ये लड़ाई हुई expectations और output के बीच में, और अब ये पूरी success अवेलेबल academy तीन categories में बढ़ गई। You all are into three categories. जिनको मैंने नाम दिया है पजल, पजल समझते हो, पजल। सो पहली कैटेगरी में क्या है कि पता है आपको, पता नहीं है आपको कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है ये नहीं पता। आप जस्ट प्रज्यूम कर लो कि हमसे ये लोग आशा करते हैं, हमसे वो लोग आशा करते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। और ये भी नहीं पता
एग्जैक्टली आउटपुट क्या चाहिए। अब दोनों चीजें जब नहीं पता है, कितनी ही एंजाइटी में आ जाओ, कितना ही हार्ड वर्क कर लो, यू विल बी पजल्ड। इस कैटेगरी में कौन लोग? सभी लोग हैं सब। दूसरी कैटेगरी जिनको मैंने बोला है पार्टिसिपेंट्स, जो आप सभी लोग मेजरली आ चुके हैं। पता है एक्सपेक्टेशंस क्या, एग्जैक्टली पता है आउटपुट क्या चाहिए एग्जैक्टली, पर एक्सपेक्टेशन आउटपुट के बीच का जो गैप ले गया है ना, उसको साइड पे रख दिया। मतलब जैसे पेपर दिया रिजल्ट आया बात करना, पेपर दिया रिजल्ट आया बात करना, पेपर आया रिजल्ट आया बात करना, दो दिन तक शाहरुख खान बन गए वापस कादर खान। All that stuff goes going on. और ये लोग जो पार्टिसिपेंट है ना, इनका रिजल्ट अभी बताओ मैं तीनों कैटेगरी का भविष्य क्या है। तो ये मैंने तीन चीज की बात की थी, पर्पस और भविष्य। पर्पस तो पहला जिनको पता ही नहीं है वो है पजल, दूसरा जिनको पता है पर ये नहीं पता कैसे पाना है वो है पार्टिसिपेंट्स, जो कि 15 लाख बच्चे हैं। और उन 15 में से जो 1.5 लाख निकलेंगे वो बच्चे होंगे जिनको एक्सपेक्टेशन भी पता है, जिनको आउटपुट भी पता है, और हर दिन हर मोमेंट इंक्लूडिंग दिस मोमेंट वो ये सोच रहे हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, मेरा आउटपुट ये है, गैप ये क्या है, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट। और लगातार सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि बोर्ड एग्जाम में नंबर आता है, वो ये नहीं सोच रहे कि आईआईटी में, वो ये सोच रहे व्हाटएवर आ रहा है, व्हाटएवर आ रहा है, पर्पस चाहे कुछ भी हो वो मुझे पूरा करना है। मुझे नहीं पता वो लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, पर उनके लिए सक्सेस श्योर है, क्योंकि उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है। अगर जब तक वो कैपेबिलिटी रहेगी तब तक एक्सपेक्टेशंस और आउटपुट के बीच का गैप कम होता चला जाएगा, और जिस दिन तक वो कैपेबिलिटी रहेगी उस दिन तक सक्सेस आपको छूटती रहेगी। हो सकता है सेकंड कैटेगरी वाले ब्राइट शाइनिंग स्टार बन जाए, और उसका सिर्फ एक कारण होगा उस दिन की किस्मत, शायद उस दिन की किस्मत में वो सारी चीजें आ जाए जो तुम सबको आती है और तुम लोग आईआईटी में चले जाओ, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी सक्सेस। क्यों? क्योंकि वो किस्मत से मिली, राइट। तो ये तीन कैटेगरी की पहली कैटेगरी है वो श्योरली फेलियर हो, और स्टाम्प पेपर में लिखवा लो मेरे साथ 500 रुपए के, कि जो पहली कैटेगरी है जिनको ये पता नहीं है कि हमारी हमें करना क्या है, हम क्यों बैठे हैं, बस एक दौड़ में चल रहे हैं कि चलो भाई 4 बज गए बस्ता उठाओ, और चलो भाई 7 बज गए 8 बज गए बस्ता फेंको, और चलो फिर चलते हैं कहीं घूमने, और चलो फिर ये करते हैं वो करते हैं, जितनी भी भरमल चाहिए वो सारे लोग श्योर फेलियर होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं नंबर नंबर हम लाएंगे, पर अपनी लाइफ में फेलियर है हमेशा, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होगा क्या। तो दूसरी कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में भगवानों में लोगों में फेवर ही लेते रहे, महाराज के साथ अच्छी हो जाए 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अरे यार बस आज पेपर निकल जाए आईआईटी का, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूँ, आईआईटी गूगल सब मेरे चारों तरफ घूमेगी, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पेवर्स लेते रहे। तीसरी कैटेगरी जो है ना, ऐसे ही खड़े होकर आंखों से आंखें मिलाकर ये बोलते रहेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सिंपल है। उनको कोई हर्डल, कोई डिफिकल्टी, कोई फेलियर रोक नहीं पाएगा। और ये मैं मतलब तुम लोगों को लगता है बकवास है, तुम लोगों को लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं है, सारी चीजें प्रैक्टिकल है, तो प्रॉब्लम इस लोग अप्लाई नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। तो ये तीनों कैटेगरीज जब आई और तीनों कैटेगरीज ने एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया और रिजल्ट आए और सारी चीजें हुई, तो अब तुम लोगों के अंदर क्या चीज हुई, तुम लोगों के अंदर हुआ कि एक्सपेक्टेशंस और आउटपुट जिन लोगों को नहीं पता था, मतलब जिन लोग बजल थे उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की, यार पहले तो नंबर आते थे 10 CGPA है इस बात में, उनके पेरेंट्स ने भी ऐसी ऐसी बात, क्योंकि दे हैव नॉट नोइंग कि एक्सपेक्टेशंस क्या और आउटपुट है, पजल थे वो, उनको एग्जैक्टली नहीं पता था कि हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और उसका एवेल्युएशन कैसे होना चाहिए, और वो उस चीज से फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम सीख रहे हो और वेस्टर्न डांस के रेफरेंस के कंपैरिजन कर रहे हो, तो भरतनाट्यम वाला जो स्लो मोशन कर रहा है तो जज बोल रहा है कि यार यू आर मूविंग दैट फास्ट, अरे कम ऑन दैट इज ट्रेंड, यू आर स्लो मोशन। तो द पॉइंट इज कि जिस चीज की तैयारी जैसी होनी चाहिए उसका एवेल्युएशन भी वैसे होना चाहिए। कल के दिन कॉम्पिटिशन में बैठोगे उन लोगों के साथ जो कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और जब एवेल्युएशन होगा तब नहीं आए देन यू विल बी पजल्ड ना, अभी से पजल्ड हो गए, और इस पजल में पता क्या हो रहा है सर, अभी तो सिर्फ एक गेम है बोर्ड एग्जाम में पास होने, वो बोर्ड एग्जाम का मकसद ही क्या, लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू, मत बनाओ अपने आप
पागल एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में अगर नंबर आ गए मान लो 90% से ऊपर तो किसी ने कहा मेरे को 90% जो पढ़ाई नहीं तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा वो अच्छा कॉलेज नहीं होगा अच्छे कॉलेज सिर्फ IITs और NITs होते हैं और कोई भी NIT 12th के परसेंटेज के बेसिस मार्क्स नहीं देते एडमिशन नहीं देते वेरी श्योर दूसरी चीज चलो 12th के परसेंटेज में मार्क्स भी आ गए अगर मान लो तुम लोग इग्नोर करते सपोज फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन क्या होगा क्या होगा ये सारी मेहनत जो है बेकार से सारी मेहनत बेकार से तो अब सवाल ये है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आया मतलब वो ब्लेमिशन आई स्कूल खराब टीचर खराब एकेडमी खराब बी शेड्यूल्स सेंटर टेस्ट मत करो वर्कशॉप बंद करो Someone was crying. अंदर तक गया था एक मम्मी रोने लग गई अरे बच्चों क्यों होती है अरे बच्चे क्यों बिठा ले होता पता नहीं भाई रोने बनाने के लिए थोड़ी अरे रो क्यों रहे हो वर्कशॉप इज एन ऑप्शन मैगी में जाते हो कॉम्बो ऑफर मिलता है फिंगर चिप्स खानी खाओ नहीं खानी मत खाओ पैसे पूरे दिए तुम लोगों ने कुछ क्या बोल ही रहा ऑब्जेक्टिव देना दो नहीं देना मत दो सब्जेक्टिव देना है तो नहीं देना मत दो क्लास में आना आओ नहीं But the point is, रो तो मत कम से कम होने लगते हैं लोग और इमोशनल इतना अटैचमेंट है इस ब्रेन में कि मान लो कि झंडा चौक पे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी गिरता है तो स्टेशन पे कोई रो रहा होता है उसके लिए सोचो तो इतना अटैचमेंट कि भाई वो गिर गया तेरा दूसरा बोले भाई मेरे को बहुत लगते हो और इस स्टफ में ऐसे फॉर एग्जाम्पल पूर्वा की कम नंबर आए तो पूरे पड़ोसी बात कर रहे हैं अरे वो तो ठीक ज्यादा ही बोलते होते हैं दिमाग एकदम भारी हो गया टाइम नहीं मिल पा रहा टाइम एंड उससे फिर क्या होता है दे आर लाइक साइंटिस्ट दे आर लाइक साइंटिस्ट तो उससे क्या होता है ये होता है फिर उससे ये होता है और उसके बाद फाइनली मुझे तो ये लगा खाली बैठो और आराम की जिंदगी जियो सब तो है मेरे पास दिस इज दैट ट्रू यस और नो इन उनमें से कुछ लोग हमारे पेरेंट्स भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं और अगर ऐसी बातें करते हैं तो यार मैंने ये जो भी बनाया है ये बातों के लिए जो भी बनाया है यहाँ यार रात में सरपंच साहब बैठे और चार पंच बैठे हाँ चलने दो I'm doing something serious to happen something serious for which you should be serious. तुम लोग पता नहीं क्या इतनी बातें बोलती तुम लोगों से अंत में घर पे क्या होता है घर पे एक काम करते हैं मार्केट रिसर्च करते हैं कि घर की स्थिति होगी ठीक है हर एक के एड्रेसेस लेते हैं और आप बहरूपिया बन के इन लोग के घर जाएंगे और इनडायरेक्टली पूछिए हारने के बाद वो तीन कैटेगरी में बट गए और बटने के बाद रिजल्ट आ गया टर्म वन आ गया और उसके बाद घरों में जब स्थिति हुई तो ये बातें हुई स्कूल अकेडमी कोचिंग ये वो कई लोगों ने तो मुझे ऑफर दे दिए साहब पैसा जितना लेना है ले लो पर पढ़ाओ थोड़ा कम ही मतलब इतना ही पढ़ाओ जितना कि हमारा बच्चा झेल पाए मैंने कहा साहब 15 लाख बच्चे इससे 10 गुना ज्यादा पढ़ रहे हैं मेरा काम तो सिर्फ सही डायरेक्शन में सही तरीके से उतने आवर्स देना है अरे सर आपको पता नहीं है एक पेरेंट का इंफोसिस ने कि कई एम्प्लॉय ने सुसाइड कर ली है उन्होंने नीचे नेट लगा रखा था कि कोई कूदे उस नेट पे गिर जाए 8 घंटे से ज्यादा काम जैसे कि बिजली साहब यहाँ करते हैं 12 घंटे काम और नौकरी इनकी 8 घंटे की किसी ने बेहद कूद गए नीचे तो सर आप क्या कह रहे हैं तो ठीक है आप नहीं बचोगे ऐसे से ऑफर जाए कहीं कहते हैं सर पैसा को बहुत लगा दिया पर आप ऐसे करोगे तो एक बच्चा नहीं बचेगा तो द पॉइंट इज इससे क्या किया हम लोगों ने अपने आप को सबसे पहले बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया दैट इज कॉल्ड ब्लफिंग ब्लफ मास्टर देखी है तो आज सब तुम लोग एक एक दो दो आंखें सॉरी
ये अपने को ब्लफ कर रही है, पूरी तरीके से पागल बना रही है। सुबह उठते हैं हमें कुछ नहीं आता, शाम को उठते हैं हमें कुछ नहीं आता, फिर सो जाते हैं और फिर ऐसे करते रहते हैं, वॉकिंग टॉकिंग रॉकिंग डांसिंग जस्ट ब्लफिंग। 3 months left and you are saying let it be, we'll face it। असलियत में ये चीज है, फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन जिसकी मैंने बात की थी वो आ गया, फिर डिप्रेशन आ गया, फिर डिस्ट्रैक्शन आ गया, सब कुछ आ गया। और तो तीन कैटेगरी से पहली कैटेगरी जो है उसको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट, मतलब किसी ने बोल दिया ना तुम कहां रहो, भागो फेल हो जाओगे, और भागो। दूसरा, अरे तुम्हें चक्कर मत पड़ो, एक हमारा कजन था पंजर में पढ़ता था कोटा में, अरे IIT तो निकल गया इंग्लिश में फेल हो गया। And this is how it happening. आप लोग अपना दिमाग तो बना नहीं है, दुनिया से दिमाग मांगा, तो इनके पास दिमाग ही नहीं है। कल एक आदमी आया जो खेती करता, मेरे से बोलता है अकेडमी शुरू करो, मैंने कहा आपने कितनी अकेडमी खोल ली, तो आप मुझे बता रहे हो अकेडमी कैसे चला के, आप मुझे बताओ सोयाबीन कैसे बोना चाहिए, अंडरस्टैंड है आउट रन एन अकेडमी इज नॉट लॉजिकल थिंग। तो आप उन लोगों से सजेशन दे रहे हो जिनका कोई बैकअप ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जब निकल के आई, 3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, दैट इज व्हाट व्हेन व्हाट हाउ एंड व्हाई। अब कैसे, फॉर एग्जांपल व्हाट आई शुड डू, तो तुम्हारे अंदर जवाब आया मुझे यू शुड प्रिपेयर, फिर कैसे बोले हाउ आई शुड प्रिपेयर, तो मतलब बोले अरे यू शुड वर्क हार्ड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, फिर कैसे अब आ गई व्हाई आई शुड प्रिपेयर। तो फिर कुछ लोगों में 3 कैटेगरी आ गए, पहला वाला कहता है व्हाई नहीं आती थोड़ा सो, दूसरी कैटेगरी कहती है जितनी मेहनत कर रहे हैं 200 से ज्यादा लग रहे हैं, बात खत्म, 4 घंटे जाते हैं ना वहां जाते हैं ना बात खत्म। और तीसरे लोग जो है वो कह रहे हैं क्यों हम प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना, जो ये आंसर दे रहे हैं अपने आप को वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वही ना क्या इनपुट प्रोसेसिंग है आउटपुट, इसी का खेल है। आज तुम लोग इनपुट में क्या डाल रहे हो देख लो खुद लोग अपने, आज तुम लोग सबको इनपुट में डाल रहे हो, सक्सेसफुल मैन बन रहा है, कहां है सक्सेसफुल मैन इनपुट में, तो बन जाओ ना इनपुट, सक्सेसफुल मैन बन जाओगे इनपुट में है, इनपुट में तुम लोग डाल रहे हो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे सर, सॉरी वी गॉट हैव नो रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन, 12वीं में लगाएंगे इनको डायरेक्ट पास करके सारे कंसलटेंट के फ्रंट पेज पर, 99% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 90% जिसने पाए, पर किसी भी प्रतियोगिता में कमाल नहीं कर पाया, लॉर्ड के बुद्धू घर को आए। तो ये कैटेगरी जब होंगी तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट हाउ एंड व्हाई, लाइक व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई डू एंड व्हाई आई शुड डू, तुम लोगों के हिसाब से। और इट इज आल्सो एन इंटरोगेटिव, क्या करो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नाउन होते हैं, व्हाट आर इंटरोगेटिव नाउन में ही आंसर है। अरे घबराओ मत, ये अब तुम दुखी होगी खुश ना, इंटरोगेटिव नाउन में ही आंसर है, एंड आंसर इज व्हेन, व्हाट शुड आई डू, आई शुड डू दिस, देन यू शुड आंसर आस्क यूरसेल्फ व्हेन, how should I do, when, why should I do, I should do this because of this, when, and वो when तो when में चला जाता है, क्योंकि वो कब है ही नहीं, वो कब नहीं, तो जिंदगी पड़ी है, और जिंदगी कुछ नहीं, हर बार ही आएगा, बहुत खर्च होगा, why, फिर when भूल जाओगे, फिर when भूल जाओगे, फिर when भूल जाओगे, और when भूलते चले जाओगे, success क्या, success का S भी नहीं मिल पाएगा, समझ में आ रही कहानी, आप लोग साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन हो चुके हो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस है हो रही है अंदर, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एक फिर रिएक्ट करके 3 बना देता है, फिर 3 बना देता है, और ऐसे कर करके डिप्रेशन के महाकुंभ बन चुके हैं अंदर। सीरियसली एक की भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं दिख रही है कि ये आदमी या ये गर्ल कुछ कर पाएगी, ऐसा क्यों है, यहां ऐसा क्या हो रहा है जिसने आप लोगों को इतना तोड़ दिया है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आई एम टेलिंग यू डोंट बी नेक्स्ट वीक या फिर डोंट कम टुमारो, क्योंकि ये करने के लिए रोड़ी आया,
कि अपनी फॉर एग्जाम्पल बातें बड़ी बड़ी की आईआईटी में जाना और क्या आईआईटी छोड़ो एनआईटी तो छोड़ो बोर्ड एग्जाम निवेशन पे गुड पॉइंट बोर्ड एग्जाम के मार्क्स लेकर आप जानते नहीं हो क्या क्या होता है knowing the reality knowing the facts knowing the figures you are just bluffing yourself yes or no कितने लोग यहाँ अपने आप को पागल बना रहे हैं या कौन कह रहा है इस दुनिया में कि बारहवीं में पास हो जाओ या अच्छे नंबर ले आओ तो खेल हो जाता है और अगर तुम कह रहा है ना और अगर नहीं ठीक है इसके लिए हम एक मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं आई कैन आस्क जितने कॉन्टेक्ट मेरे हैं वो लोग जो टॉपर रहे बुरी फैमिली मार्केट स्कूल से जो लिस्ट में है शायद मैं 10 या 12 को जानता हूँ उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके साथ और सबसे सबको कॉलिंग करते हैं अगर वो यस कहते हैं तो मैं अपने आप को बदल पाऊंगा और अगर वो यस नहीं कहेंगे तो फिर तुम लोग अपने आप को पागल ही बना राइट और रॉन्ग तो पागल क्यों बना रहे हो पागल बनने की वजह से दिए गए एक बताए कि कंपनी चलाने वाला पागल बनाता है मैं तुमसे कहूंगी यार यू आर राइट दैट्स नॉट फॉरगेट अबाउट ऑब्जेक्टिव जस्ट ओनली टॉक अबाउट सब्जेक्टिव एक ऑफर आया था मेरे पास ये सब्जेक्टिव ही रहने दीजिए साहब 3 महीने मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ सब्जेक्टिव कराइए आप मुझे बता तो रहे हैं हम इसका जवाब नहीं दे सकता फिर संडे छुट्टी रखिए अरे भाई मर्याद खूब आपको यहाँ तो ऐसा इतने तो शहर वाले भी घूम रहे थे गाँव वाले को घूमने की पड़ी है वो सागर में 4 होटल है और 3 दुकानें हैं जहाँ लोग पब्लिक जाती है मुझे यहाँ के ट्रेन में पता है या दो ही कम्युनिटीज हैं वन इज सिटी पार्टी कम्युनिटी एंड अदर इज पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड अदर इज रिलीजियस कम्युनिटी ये तीनों कम्युनिटीज हर दिन ये डिस्कस करती हैं कि सागर में कौन सी मिठाई की दुकान अच्छी है कहाँ दिवाली ऑफर्स चल रहे हैं और पैराडाइज में क्या नया ऐड हुआ है या फिर डिसीजन में क्या अच्छा है या फिर वो कौन सा गोमती नंदन में क्या अच्छा है या फिर एक और बोला पैराडाइज के आगे दीपावली और वही तुम लोग देखते हो हर बैठ देखते हैं और वही छोटी सी दुनिया और इसका